नमस्कार दोस्तों, अगर आप मैट्रिक पास कर चुके हैं तो आपको बता दें भारत सरकार के द्वारा रेलवे कौशल विकास योजना के अंतर्गत आप सभी को जो है अलग अलग ट्रेड में ट्रेनिंग दिया जाएगा, यानी कि प्रशिक्षण दिया जाएगा और मात्र मैट्रिक पास ही रखा गया है, यानी कि आपको कोई भी ITI का जरूरत नहीं है। अगर आप मैट्रिक पास है तो अलग अलग ट्रेड में यहाँ पे प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग ले सकते हैं बिल्कुल निःशुल्क में, कोई भी आपको पैसा नहीं लगने वाला है। ये ट्रेनिंग करने का एक ही मकसद है भारत सरकार का, अगर आप ट्रेनिंग करते हैं तो यहाँ पे एक लक्ष्य रखा गया है कि युवा को कौशल बनाना है, भारत को आगे बढ़ाना है। यानी कि दोस्तों अगर आप कोई भी ट्रेनिंग कर लेते हैं तो बाय चांस फ्यूचर में कोई जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे भी आपको जो है ट्रेनिंग के बारे में आपको एक्सपीरियंस मांगा जाएगा, यानी कि अगर आपने किया है या नहीं किया है, या दोस्तों आप खुद का भी कुछ रोजगार वगैरह करते हैं तो ये ट्रेनिंग आपको काम आएगा, क्योंकि ये अलग अलग ट्रेड में होता है। तो इस वीडियो में डिटेल्स में बताने वाले हैं कब से कब तक आपको अप्लाई करना है और किस तरीके से क्या क्या डेट रखा गया है, क्या डॉक्यूमेंट आपको लगने वाला है, तमाम बात डिटेल्स में करेंगे। आई होप कि वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि दोस्तों बिल्कुल फ्री में ट्रेनिंग है, आपको जरूर करना चाहिए। और चलिए दोस्तों बिना देरी के हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो अच्छा लगे लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा के सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल कर दीजिएगा, ताकि जब भी मेरा वीडियो आगे से आए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। सबसे पहले आपको चले आना है हमारे ऑफिशियली वेबसाइट biharhelp.in पे, बिना स्पेस के सर्च कीजिएगा और डायरेक्ट आप यहाँ पे आ जाइएगा। यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करना है और स्क्रॉल करने पे यहाँ पे आपको मिलेगा, देख सकते हैं, लेटेस्ट जॉब। और लेटेस्ट जॉब में यहाँ पे अभी जो है फिलहाल ये 3 नंबर में है, देख सकते हैं, बिहार रेल कौशल विकास योजना 2022 ऑनलाइन अप्लाई, देख सकते हैं। नीचे आप बाद में आपको जो है जब आप इस वेबसाइट पे आएंगे तो बाद में नीचे ये पोस्ट मिलेगा, तो सबसे पहले आपको इसी पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको सारा डिटेल्स देखने को मिल जाएगा, आप यहाँ पे चाहे तो पढ़ सकते हैं, ऐसे हम आपको स्टेप बाय स्टेप समझा देंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं हर एक चीज़ लिखा गया है और यहाँ पे जो है ये बिहार UP दोनों के लिए है, लेकिन हम अभी सिर्फ बिहार के स्टूडेंट के लिए बात कर रहे हैं, कोई भी अप्लाई कर सकता है, कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है बैच लिखा हुआ है, देख सकते हैं कौन सा सेशन है, हर एक चीज़, और सिर्फ 10th पास ही है। आप यहाँ पे घर पर आइए मत, यहाँ पे नो ITI सर्टिफिकेट, आपको कोई ज़रूरी नहीं है कि ITI होना चाहिए। उसके बाद नीचे आप स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे बात कर ले, देख सकते हैं अप्लीकेशन स्टार्ट 9 मार्च 2021 से लेके आप जो है 22 मार्च 2021 के बीच में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। नीचे स्क्रॉल कीजिएगा तो यहाँ पे आपको जो है हर एक चीज़ डिटेल्स में समझाया गया है। जैसे 9 तारीख को यहाँ पे बताया जा रहा है, 9 तारीख से लेके आप जो है 22 तारीख तक अप्लाई करेंगे, यहाँ पे आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, देख सकते हैं, जिसमें आपको साफ साफ हर एक चीज़ समझाया गया है कि रेलवे कौशल विकास योजना अंतर्गत ये सूचना जारी किया गया है, जिसमें आपको जो है 2022 बैच के लिए पूर्व मध्य रेलवे के 4 प्रशिक्षण केंद्र पर ये जो है आपको 3 सप्ताह के लिए प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहा है। प्रशिक्षण केंद्र पर जो है ट्रेड वाइज जो है अलग अलग निर्धारित किया गया है और यहाँ पे टोटल जो है ये 4 प्रशिक्षण केंद्र जो है आपको बिहार में ही मिल जाएगा, देख सकते हैं हर एक चीज़ लिखा हुआ है और यहाँ पे अलग अलग ट्रेड है। चलिए हम नीचे बताते हैं कौन कौन सा ट्रेड है। सबसे पहले फीटर का है, उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए हर एक चीज़ का लिखा हुआ है, सुपरवाइज़र का हो गया, यहाँ पे फीटर का हो गया, वेल्डर का हो गया, उसके बाद यहाँ पे मैकेनिस्ट का हो गया, मैकेनिक का, उसके बाद यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन का है, सबका यहाँ पे लिखा हुआ है। और नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो टोटल का यहाँ पे एड्रेस भी दिया हुआ है, कहाँ कहाँ पे ये जो है आपका ट्रेनिंग दिया जाएगा, जैसे समस्तीपुर हो गया, उसके बाद आपका जो भी बगल में पड़ेगा वहाँ जा सकते हैं, नालंदा हो गया, उसके बाद यहाँ पे नालंदा हो गया, उसके बाद यहाँ पे सब जगह का लिखा हुआ है, दानापुर पटना में भी है, आप देख लीजिएगा। यहाँ पे आपके पास डॉक्यूमेंट में मैट्रिक का मार्कशीट, फ़ोटो, उसके बाद यहाँ पे जो है अप्लाई कर, वहाँ पे जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको HP DP मांगा जाता है और मेडिकल सर्टिफिकेट, यानी कि जांच एक करा लीजिए किसी भी डॉक्टर से कि आप पूरी तरीके से, मतलब कि कोई भी आपको बीमारी तो नहीं है, जो मेडिकल जांच होता है कोई भी जॉब के लिए यही होता है। तो आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे हर एक चीज़ लिखा गया है और यहाँ पे एज लिमिट की बात कर ले तो यहाँ पे 18 से लेके, यहाँ पे ऊपर सबसे ऊपर में ही लिखा हुआ है एज के बारे में, 18 से 35 के बीच में एज लिमिट होना चाहिए। चलिए हम आपको यहाँ पर बताते हैं, जैसा कि हर एक चीज़ यहाँ पर लिखा गया है तो नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई का जो है स्टेप बाय स्टेप बताया गया है। तो आपको क्या करना है, या तो आप चाहे तो दोस्तों यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई वाले पे क्लिक करेंगे, ऑनलाइन अप्लाई पे, तो इस वाले पेज पे चले आएंगे। यहाँ पे आने के बाद आपको क्या करना है, इस तरीके का पेज होगा जिस पे साफ साफ देख सकते हैं रेलवे कौशल विकास GOV.in, ये भारत सरकार का वेबसाइट है जिसपे रेलवे कौशल विकास योजना अंतर्गत यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए ऑनलाइन कराया जाता है। तो यहाँ पे अप्लाई हेयर पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको जो है
नोटिफिकेशन नंबर यहाँ पे सेलेक्ट करने का एक ऑप्शन मिलेगा। तो सबसे पहले दोस्तों मैंने पहले वीडियो बना चुके हैं, मतलब कि पहले भी मेरा वीडियो बना हुआ है कि कैसे फॉर्म को भरना है, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया। अगर हम आपको बताते हैं तो आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे वीडियो जो लिखा हुआ है इस पर क्लिक करेंगे तो आगे का प्रोसेस जैसे जैसे फॉर्म भरना है या हर एक चीज़। इस पुराने वाले वीडियो में तो सिर्फ जो डेट वगैरह है जो पुराना मिलेगा, लेकिन आपको समझना है फिलहाल का डेट, यानी कि 9 तारीख का जो डेट है 9 मार्च वो वाला नोटिफिकेशन का। तो ये वीडियो देख के आप जो है स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भर सकते हैं और यहाँ पे अप्लाई लिंक मिला हुआ है। फिर यहाँ चाहे तो आप नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, यहाँ पे हर एक चीज़ देख सकते हैं, ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। तो यही दोस्तों जानकारी था, अगर आप मैट्रिक पास है तो ज़रूर इसमें रेलवे कौशल विकास योजना अंतर्गत अप्लाई कीजिए। और दोस्तों और भी जानकारी चाहिए नीचे कमेंट कीजिए और आपको हम वीडियो और लेके आते रहेंगे। ऐसे दोस्तों हमारे वेबसाइट पे बहुत सारा लेटेस्ट जॉब लेके आते रहते हैं, आप चाहे तो अक्सर देख सकते हैं आके इस वेबसाइट पे रेगुलर, और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा लेटेस्ट अपडेट के लिए। चलिए आपसे मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।